आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं लैक्मे 95 सीसी क्रीम के सेट्स के बारे में। और ये क्रीम पहले सिर्फ दो ही शेड में अवेलेबल थी, बट अभी जो आती है ये चार शेड में अवेलेबल है। और हम में से बहुत सारे लोग हमेशा यही गलती करते हैं कि हम अपने स्किन टोन के हिसाब से शेड नहीं लेते हैं, डिफरेंट शेड ले लेते हैं, और जिसकी वजह से जब हम इस क्रीम को अप्लाई करते हैं तो हमारा जो फेस है बहुत ज्यादा फेक लगता है। हम जैसा हम चाहते हैं नेचुरल ग्लो, वो चीज हमें नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि हम शेड गलत यूज कर रहे हैं। तो आपको कभी भी, आप कोई भी सीसी क्रीम लेते हैं या कोई भी फाउंडेशन लेते हैं, तो हमेशा अपने स्किन टोन के हिसाब से ही आपको लेना है। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपकी स्किन के हिसाब से आपको कौन सा शेड लेना चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं लैक्मे में जो चार शेड हैं, बेज, ब्रोंज, हनी एंड आमंड, ये चारों शेड बनाए गए हैं आपकी स्किन को ध्यान में रखकर। आपकी स्किन फेयर है तो उसके लिए अलग शेड है, आपकी रंगत गोरी है, आपका कलर जो है वो ना गोरा है ना काला है, मीडियम है, तो उसके लिए अलग शेड है। आपकी स्किन डस्की है, सांवली स्किन है, तो उसके लिए अलग शेड है। एंड आपकी स्किन बहुत ज्यादा डार्क है तो उसके लिए अलग शेड है। तो हमेशा अपने स्किन टोन को ध्यान में रखकर ही आपने कोई भी सीसी क्रीम या फाउंडेशन लेना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जय माता दी फ्रेंड, वेलकम बैक टू अम्बिका जी ऑल इन वन। इफ यू न्यू टू माय चैनल, दिस इज अंजू सिंह एंड यू वाचिंग अम्बिका जी ऑल इन वन, वेयर आई शेयर विद यू मेकअप, स्किन केयर, फिटनेस, ब्लॉग्स एंड लॉट्स ऑफ मोर। तो हम बात कर रहे थे लैक्मे 95 सीसी क्रीम के बारे में और इसके सभी सेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, हम वन बाय वन सब कुछ क्लियर करूंगी आपको कि कौन सी स्किन के साथ कौन सा शेड जाएगा। और जो मेरा शेड है इसमें वो बेज है। अगर आपकी स्किन फेयर है तो आपकी स्किन पे ये वाला शेड जाएगा। और जैसे कि इन्होंने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि इंस्टेंट प्रोटेक्ट करता है एंड मॉइस्चराइज करता है, ब्राइटनेस देता है, इवन स्किन टोन देता है, कंसील करता है एंड फ्रेशनेस भी देता है। तो फ्रेंड्स, ये जो सारी चीज़ें हैं, मतलब इन शॉर्ट में मैं आपको बताऊँ, इट्स अ कंप्लीट मेकअप। नॉर्मली आप एक बेस रेडी करते हैं तो सबसे पहले आप प्राइमर लगाते हैं, उसके बाद आप फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, उसके बाद आप कंसीलर लगाते हैं आपके जो डार्क स्पॉट्स वगैरह होते हैं उनको हाइड करने के लिए, देन उसके बाद आप कॉम्पैक्ट लगाते हैं। तो उसकी जगह आप ये लगा सकते हैं और ये आपको एकदम मैट फिनिश देता है। मैं आपको प्रॉपर ये अप्लाई करके भी दिखाऊंगी क्योंकि इसको लगाने का भी सही तरीका होता है। इसको लगाने के दो तरीके हैं और दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ ये जो शेड है बेज, अगर आपकी स्किन फेयर है तो आपकी स्किन पे ये वाला शेड जाएगा। सीधी सी बात है फ्रेंड्स, हम कुछ भी इस तरह से करते हैं, डेली मेकअप करते हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप वर्किंग हैं या आप कॉलेज गोई गर्ल हैं, तो इतना मेकअप, अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो डेली में इतनी सारी चीजें, इतना सारा बेस लगाना, मतलब फेक भी लगता है फेस और अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन ये जो है ये बहुत ही आपको एकदम मैट फिनिश देता है और बहुत ही लिटिल अमाउंट में लगता है अगर आप डे में इसको लगा रहे हैं। सबसे अच्छी बात पता है क्या, ये आता है SPF 30 PA++ के साथ में, जो कि आपको सन से भी प्रोटेक्ट करता है। तो इसको आप अपनी डेली क्रीम में यूज कर सकते हैं क्योंकि डेली ही में फाउंडेशन अप्लाई करना या इतनी सारी चीजें अप्लाई करना कहीं ना कहीं स्किन के लिए भी हार्मफुल होता है। और जो सीसी क्रीम होती हैं वो काफी लाइटर होती हैं कंपेरेटिव टू फाउंडेशन। अगर आपकी स्किन फेयर है या बहुत ज्यादा फेयर है यानी कि गोरा रंग है, तो आप ये वाला जो शेड है मैंने आपको बताया बेज, ये वाला शेड ले सकते हैं। सेकेंड, अगर मैं बात करूं आपकी स्किन ना तो बहुत ज्यादा गोरी है ना ज्यादा काली है, नॉर्मल है, अंडर टू टू येल्लो आती है, तो आप जो हनी शेड होता है वो परफेक्ट है आपके लिए, तो आप वो वाला शेड यूज कर सकते हैं। एंड तीसरा जो उसका शेड आता है वो आता है ब्रोंज शेड, जो अगर आपकी स्किन डस्की है, सांवला रंग है आपका, तो आप इस वाले शेड के साथ जा सकते हैं। एंड अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डार्क है तो आपको लेना है आमंड शेड। तो इस तरह से आप अपनी स्किन के हिसाब से शेड लीजिएगा, तो जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपको ये काफी अच्छा फिनिश देता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको अप्लाई करने का राइट वे क्या है, सही तरीका क्या है। नाउ लेट्स मूव ऑन द वीडियो। फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे फेस पे चार पांच पिंपल के मार्क हैं और जब मैं स्किन को अप्लाई करती हूँ तो इजीली बिल्कुल हाइड हो जाते हैं। आप जब भी कोई भी फाउंडेशन या क्रीम लगाते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप डे में अप्लाई कर रहे हैं या नाइट के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि डे में आप लगा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि बहुत ही कम अमाउंट में आपको लगाना है ताकि आपको एक नेचुरल लुक मिलेगा। नाइट में आप लगा रहे हैं तो आप क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं। ब्रश या स्पंज नहीं तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप अपनी फिंगर से ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी बेस लगाते हैं तो उसमें मेन जो होती है वो ब्लेंडिंग होती है, तो आपकी फिंगर से बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से बहुत छोटे छोटे डॉटेड में लगाइए। इस तरह डॉटेड में लगाने से क्या होता है, आपका जो फाउंडेशन है, आपकी जो क्रीम है, बहुत अच्छे से आपके फेस पे लग जाती है और ब्लेंड हो जाती है, क्योंकि मेन जो होता है आपका बेस होता है वो आप जितने अच्छे से उसको ब्लेंड करेंगे तो आपको एक स्मूथ एंड इवन टोन स्किन मिलती है, जो आप सभी चाहते हैं। फ्रेंड्स, की कॉस्ट की बात करूँ तो उसका जो 9 ग्राम का पैकेट आता है
वो उसकी कॉस्ट है 99 रुपीज़, एंड जो 30 ग्राम में अवेलेबल है उसकी जो कॉस्ट है वो मोस्ट ऑफ टाइम चेंज होती रहती है, कभी 199, कभी 235, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसकी जो कवरेज है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं तो आप कलर करेक्टर का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कंसीलर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत लाइट मार्क है, पिंपल के एक दो मार्क है, तो वो इजीली हाइड हो जाते हैं। आपने इसको डबल लेयर भी इसके अप्लाई कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि अभी थोड़े से कहीं कहीं जो मार्क है वो आपके विजिबल हो रहे हैं, तो आप इस तरह से थोड़ी सी अमाउंट लीजिए और जहाँ पर भी आपको मार्क है जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से आपको अप्लाई करना है, या आपको डार्क सर्कल है तो वहाँ पर भी आप बिल्कुल इसी तरह से अप्लाई करेंगे। मुझे डार्क सर्कल नहीं है बट मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ, तो आप इस तरह से इसको अप्लाई कर लीजिए। आपकी स्किन ड्राई है तो आप इससे पहले मॉइस्चराइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है और बाकी बिल्कुल नेचुरल लुक मिलता है, मैट फिनिश देता है और मुझे ये बहुत पसंद है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपकी स्किन टोन के हिसाब से आपको कौन सा शेड लेना है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, एंड कोई क्वेश्चन या सजेशन या आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बी पॉजिटिव बी हैप्पी, टिल देन बाय बाय।